सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो के आगे मैंने ज़बरदस्त देसी वर्कआउट और साथ में देसी डाइट का वीडियो लगा रखा है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए देसी वर्कआउट का एक ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ। और साथ में आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि देसी डाइट भी बताओ भाई, क्या खाते हैं लोग। तो मैं बीच में डाइट भी ऐड किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि जो भी डाइट बताई गई है वो आप भी यूज करो, तो आपकी जो बॉडी है वो जल्दी ग्रो करे, ठीक है। और साथ में एक ज़रूरी अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे इंडिया में अनलॉक हो चुका है, मतलब लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार बिना काम के बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि देख रहे हो यार दिन का दिन बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। सो घर पे रहो, बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलो, और घर पे रहो, सेफ रहो। तो चलिए आज का वर्कआउट देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अरे भाई, पूरे देश में लॉकडाउन है, सारे जिमों पे लॉक लगा हुआ है, इतना हौसला लाते कहाँ से हो? लॉक दरवाजों पर लगते, इरादों पर नहीं। चंगे लगो फिर। चंगे लगो फिर। हेलो गाइस, मैं बताऊंगा आपको सही पुशअप लगाना। बहुत सारे भाई गलत पुशअप लगाते हैं, ऐसे पुशअप लगाते हैं, ऐसे अपन को नहीं लगाना, ऐसे लगाना है, हाथ को एकदम ऐसे रखने का। हेलो गाइस, मैं आपको डायमंड पुशअप लगाना सिखाऊंगा जो सही फॉर्म में। इस तरह की पोजीशन बनानी है अपने को, और फिर नीचे जाना है और स्लो स्लो ऊपर आना। हेलो दोस्तों, ये देखिए डंबल बनाया है मैंने घर पे ही, तो इससे वर्कआउट करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, डंबल से मैं आपको शोल्डर का वर्कआउट करके दिखाऊंगा। पहले कोई कहता है डब्बा खाया है, चूर्ण खाया है, पाउडर खाया है, तो भाई एक बार उस पाउडर का रेट पता करना जाके सप्लीमेंट शॉप पे। इतने का तारे घर में पूरे महीने का राशन ना आता होगा जितने का वो पाउडर आवे है। मन नहीं करता वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का, बीच में दो घूंट पी लेना, लेकिन अगर रुक गए जिम करना, छोड़ दिया, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे, तुम दुनिया तो जीत ही जाएगी। मेरी मानो, इश्क उतना ही करो जितना भुला सको, इश्क उतना ही करो जितना भुला सको, क्योंकि अगर याद रह गया ना तो जिंदगी तबाह। किसी ने कहा था जलो मत, बराबरी करो, मैं कहता हूं तुम जल ही लो, क्योंकि बराबरी तुमसे होगी नहीं। कहा था जलो मत। तो गाइस, मेरा डाइट प्लान जैसे चने, मूंग, सोयाबीन, केले, आधा लीटर दूध। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वर्कआउट अच्छा लग रहा हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड ये जो एक्सरसाइज देख रहे हैं या वर्कआउट देख रहे हैं, ये है आपके शोल्डर की एक्सरसाइज। जी हाँ, ऐसे आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपके पास कोई वेट है तो ऐसे आप थाई की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके जो थाई है उससे कट्स निकलने लगते हैं, एंड आपकी जो थाई है काफ़ी मजबूत हो सकती है, ठीक है। और भाई की बॉडी आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड जो अगली एक्सरसाइज है, अगर आपके पास चिनअप का जुगाड़ है, चिनअप का जुगाड़ बना रखा है, तो ऐसे आप लोग बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड साइड का और आपके एब्स के जो एक्सरसाइज करनी है, वो आप लोग ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। साइड की जो फैट है वो भी बर्न होगा, और जो आपके एब्स हैं वो भी क्लियर बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कई तरीक़ों से डिप्स भी मार सकते हैं, जैसे आपको
आता, उसके अलावा भी आप कई तरीके से नए नए तरीके से अपर से डाउन के लिए, डाउन से अपर के लिए, प्लेन के लिए, ऐसे आप लोग जो डिप्स है मार सकते हैं। एंड ये जो एक्सरसाइज देख रहे हैं ये है आपके थाई की ही एक्सरसाइज, जो कि देसी वेट के हिसाब से ऐसे आप लोग स्क्वाट भी कह सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है वो देख सकते हैं, दो जो ईंट हैं वह ऐसे इस तरह से बांध रखे हैं एंड ऐसे आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके बोल निकालनी है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट रहेगी, अगर आपको बाइसेप में बोल टाइप की जो बोल की मसल है या बोल है वो निकालनी है तो ये एक्सरसाइज ज़बरदस्त है, ठीक है। एंड इसके अलावा वेट वगैरह बना रखा है तो ऐसे आप लोग बाइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये थे आज के कुछ नए वर्कआउट, देसी वर्कआउट। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, भाई का वर्कआउट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और जो देसी डाइट बताई गई है आप भी ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आपको आधा लीटर ही दूध लेना है, या फिर जो बताए गए प्रोटीन वगैरह के लिए सोयाबीन, तो अपने जितना आप खा सकते हो उसी के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है, डाइट। और अगर आप लोग ये डाइट यूज करोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं अच्छी डाइट भी ले रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी नहीं ग्रो हो रही है, तो इस डाइट के साथ साथ आपको हार्ड वर्कआउट भी करना होता है। लाइक 2 घंटे आपको ज़बरदस्त एक्सरसाइज, मतलब जिम देसी स्टाइल से अगर कर रहे हो तब भी, या फिर जिम पे भी कर रहे हो तब भी, अगर हार्ड वर्कआउट 2 घंटे करोगे ज़बरदस्त, तभी आपकी जो बॉडी है वो ग्रो होगी, ठीक है। और 1-2 दिन या 1 वीक में आपकी बॉडी के रिजल्ट नहीं आते, आपको कम से कम 4-5 मंथ करोगे रेगुलर जिम या देसी वर्कआउट, उसके बाद ही आपके जो रिजल्ट हैं वो सामने आते, मतलब दिखाई देते हैं। तो चलिए, बाकी चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।